VSCC 24 News, सच के आगे कोई नहीं। कानपुर में अमूल डेयरी प्लांट के अंदर सुपरवाइजर के द्वारा नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की एक घटना सामने आई है। घटना की जानकारी लगते ही यहां पर मौके पर मृतक के भाई के द्वारा डिस्पेच इंचार्ज पर जो भाई था उसे धमकाकर प्रतिमाह 50,000 रुपये मांगने का उन्होंने आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मृतक के भाई के द्वारा बताया गया कि डिस्पेच इंचार्ज लंबे समय से उसके भाई को धमका रहा था, जिसके कारण वह परेशान था और इसके चलते उसके भाई के द्वारा आत्महत्या की गई है। दरअसल जिला मुख्यालय के समीप संचालित अमूल डेयरी प्लांट में मूल रूप से ग्वालियर जनपद के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गाँव डपका का रहने वाला भूरा सिंह गुजर सुपरवाइजर का यहां पर काम करता है। बताया जा रहा है कि अभी तक कई वर्षों से यहां पर प्लांट में काम करते वह आ रहे हैं और सुनील गुजर ने बीती रात प्लांट के अंदर ही कैंटीन के बगल में स्थित नीम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा यहां पर शव को पेड़ पर लटका हुआ देखकर वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पूरे मामले में मृतक के परिवारों के द्वारा यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं। लोग रोते बिलखते वह यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे, जहाँ पर मृतक के भाई अरविंद गुजर के द्वारा सीधे तौर पर भाई को मानसिक रूप से उत्पीड़न करे जाने का एक मामला जो आरोप है वह लगाए गए हैं। डिस्पैच इंचार्ज अमित कुमार पर यह आरोप लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस या जांच में क्या सामने आता है। मामा का लड़का है, वो एक्सपायर हो गया, उसने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया है। नाम क्या है मृतक का? सुनील गुर्जर। क्या कारण रहा है मृतक के फांसी लगाने का? कारण वो कोई अमित है डिस्पैच इंचार्ज, उसके वो परेशान कर रहा था कुछ महीनों से उसे, और उसने रात में मैसेज किए, बड़ा भाई है मेरा उसके नंबर पर, कि अमित की वजह से मैं फांसी लगा रहा हूँ, वो मुझे परेशान कर रहा है, घूस मांगता है, पैसे मांगता है, बोलता है नहीं ठेका चला जाएगा तेरा, ठेका छुड़ा लिया है उसका, उसने मैसेज किए। तो इसके पहले क्या पैसे दिए हैं? क्या इतनी अपन को जानकारी नहीं।